तो यार कैसे हो। मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के हाईपिक्सल सर्वर की अनदर वीडियो के साथ। और गाइस आज मैं आपको दूंगा माइनक्राफ्ट का एक और हाईपिक्सल सर्वर। अगर आपको भी हाईपिक्सल सर्वर चाहिए अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर, तो आपको गाइस क्या करना होगा, इस वीडियो को फुली वॉच करना होगा, चैनल करना होगा सब्सक्राइब, तो क्या करना होगा शेयर और वीडियो को करना होगा लाइक गाइस, ठीक है ना। और हाँ, मैं डेली डेली देता हूँ शाउट आउट, अगर आपको भी चाहिए शाउट आउट तो आपको गाइस क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, दोस्तों क्या करना है शेयर और मेरी वीडियो कर देना है लाइक गाइस। तो आज का शाउट आउट जाता है एलेक्स फुरकान को और दूसरा शाउट आउट जाता है ब्लैक फैबुलस गेमिंग को, ठीक है ना। यारो बिना देरी करिए अपनी हाईपिक्सल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए मैं चलता हूँ अपने फर्स्ट पर्सन मोड में और दिखाता हूँ आपको इस यहाँ पर क्या क्या गेम प्ले देखने को मिलते हैं। तो पहले फर्स्ट पर्सन में चल लेते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट पर्सन में अभी मैं यहाँ वीडियो मोड से कर लेता हूँ फर्स्ट पर्सन। ये देखो मैं आ चुका हूँ यहाँ फर्स्ट पर्सन मोड में, एक मिनट। ये देखो मैं फर्स्ट पर्सन मोड में आ चुका हूँ और देखो मेरे ऊपर ये दिल दिल से आ रहे हैं, आप भी ऐसा लगा सकते हो बड़ी आसानी से ही, और एकदम मस्त लगता है ये दिल दिल वाला यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कमेंट करके आप भी बताना आपको भी कैसा लगा गाइस। ये देखो स्काई ब्लॉक मिलता है, क्रिएटिव मिलता है। तो ये देखो अभी ये ऑफलाइन है, इस वजह से यहाँ पर ऐसी कुछ भाषा लिखी हुई है, और ये सारे ऑनलाइन सर्वर हैं, तो मैं इन सबको विजिट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। सो ये देखो यहाँ पर एक टेलीपोर्टर मिलता है और गाइस, ठीक है ना। और हाँ, मेरे सर्वर की जो बात रही वो भी बहुत जल्दी रिलीज होगा, तो आप उन मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऐसे आइलैंड पर लेकर चलता हूँ। तो ये देखो ट्रांसफरिंग लिखी आ रही है, ठीक है ना। अभी तक तो ये ऑनलाइन था पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, आप देखता हूँ। हाँ तो ये आ गए हम ऐसे आइलैंड के सर्वर में। तो ये देखो ये कुछ ऐसे आइलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये देखो ये है कुछ ऐसे आइलैंड, यहाँ से यहाँ पर आप आओगे तो आपको यहाँ मिलता है राइट क्लिक सोल बेल और सब कुछ दिखाऊंगा आइलैंड में, तो देखते रहना यार। बैंक माइंड फाइन आपको यहाँ बैंक देखने को मिलता है, तो आप बैंक में भी जा सकते हो यहाँ से बड़ी आसानी से। और आपको यहाँ देखने को मिलता है यार क्या, डंजन देखने को मिलती है और रैंक लिस्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलती है बड़ी आसानी से। ये रही रैंक लिस्ट, और यहाँ पर आपको गाइस देखने को मिलता है एसिड आइलैंड। आप जैसे इस पर टैप करोगे यहाँ पर आएगा एक ऊपर, यहाँ पर ये जो दूसरा लिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका एसिड आइलैंड बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी आपको सारे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर देखो लावा लिख रहा था, तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ मिलता है ऐसे करके। यहाँ पर स्लैपर्स लगे हुए हैं, तो देखो ये रहा एक और। तो आप जैसे ही इस पर टैप करोगे तो इस पर आपको देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है एमरल्ड वगैरह। और देखते हैं आगे को क्या है, भाषा पर मत जाइएगा आप, बस खेल लीजिए सर्वर में, एकदम नया सर्वर है। हाँ पर इसके लिए आपके लिए क्या चाहिए, आपको माइनक्राफ्ट का पुराना वर्जन चाहिए यानी वर्जन 1.16.40 है क्या, एक मिनट। ये एनविल यूआई है, आप यहाँ से रिपेयर रीनेम कुछ भी करवा सकते हैं। और ये है यहाँ पर कुछ, इस पर मैं टैप करके देखता हूँ तो ये क्या है। अच्छा तो गाइस यू कांट सेल, ये सेल करने के लिए है यहाँ पर आइटम्स को। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ब्लॉक के लिए, क्योंकि यहाँ ब्लॉक के लिए लिख रहा है, तो मैं इस पर टैप करता हूँ तो आप यहाँ को यहाँ पर ब्लॉक्स देख सकते हो। और देखते हैं ये क्या है, तो यहाँ पर ये सैपलिंग, तो अगर आप इस पर टैप करते हो तो आपको यहाँ सैपलिंग्स देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर है वॉलीबॉल, तो आप जब इस पर टैप करते हो तो आपको यहाँ बूल देखने को मिल जाती है। और ये पता नहीं कैसा अजीब सा सर ये बना रखा है, वॉट, मतलब मुझे तो हंसी आती है इसे देखकर, क्या है जन वॉट। यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें रख रखी हैं। और ये देखो ये क्या है, ब्लैक स्मिथ है ये, इस पर मैं टैप करता हूँ तो ये देखो आपको यहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये क्या है, और देखते हैं सारे स्लेपर दिखाऊंगा मैं आपको, और इस पर टैप करोगे तो आपको ये मिलता है फूड वगैरह। यारो देखो आपको यहाँ ये देखने को मिलता है स्लेपर, तो आप जैसे इस पर टैप करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आप खुद भी ऊपर जाके देख सकते हो गाइस, ऊपर भी बहुत सारे स्लेपर्स हैं। तो चलिए ऐसे आइलैंड मैंने आपको बनाना सिखाया, तो अब बैक कैसे जाना है आपको यहाँ देखो ये मिलता है यहाँ पर। ये हम यहाँ पर आए, यहाँ पर एक लॉबी का स्लेपर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली लॉबी के स्लेपर पर क्लिक कर देना है, तो आप अपनी लॉबी में यहाँ पर बड़ी आसानी से आ जाओगे। तो मैं अपनी लॉबी में आ चुका हूँ और ये देखो क्या ही हर्ट का ऊपर मस्त लग रहा है। तो अगर आपको भी ये लेना है तो आपको कैसे क्या करना है, आपको ये इस पर क्लिक करना है कॉस्मेटिक्स पर और पार्टिकल्स पर क्लिक करना है, और पार्टिकल क्लाउन हर्ट कुछ भी ले सकते हो, ड्रिंक वगैरह सोनिक बूम। तो मैं ब्लेजर लेके देखता हूँ, तो मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरे ऊपर ये देखो ये आ रही है, ये जो आग सी है ये देखो आग आगे लग रही है, ये लेज़र है कुछ, ठीक है ना। और अब मैं टेलीपोर्टर पर क्लिक करता हूँ, तो अब मैंने आपको दिखा दिया है यारो ऐसे डायल है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको वन ब्लॉक। सो वन ब्लॉक, एक मिनट रुक जाते हैं, शायद हम ट्रांसफ़र हो जाएं वन ब्लॉक में। क्लिक करता हूँ दोबारा से, तो मैं आ चुका हूँ यारो वन ब्लॉक सर्वर के अंदर। सो ये देखो ये है वन ब्लॉक सर्वर,
अभी खुल जाने देते हैं। आ गए हम वन ब्लॉक सर्वर में और ये है सेल हैंड, यहाँ पे आप कुछ भी आइटम सेल कर सकते हो। और ये एंचेंट यूआई, आप जैसे इस पर टैप करोगे तो आप अपना आइटम, बहुत सारी एंचेंटमेंट्स मिलती हैं, तो आप उसको कुछ यहाँ पर एंचेंट करवा सकते हो। और देखो एनविल यूआई देखने को मिलता है यहाँ पर, आप जब आप खुद ही भी आकर यहाँ पर देख सकते हो। और ये यहाँ पर शॉप शॉप पर जैसे टैप करोगे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर लेकर चलता हूँ, सोल वेल मिलता है आपको और यहाँ मिलता है वन ब्लॉक मेनू गाइस, ठीक है ना। तो आप जैसे इस पर टैप करोगे तो आप अपना वन ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट नाउ पर क्लिक करके, ठीक है ना। तो चलिए आप यहाँ से लॉबी में बैक चलते हैं और गेम मोड आपको दिखाते हैं। तो मैं आ गया अपनी लॉबी में और टेलीपोर्टर पर मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं आपको गाइस दिखाता हूँ स्काई ट्री, चलो दिखाते हैं आपको। तो मैं स्काई ट्री में जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ बिल्डिंग टेरेन हो रहा है। तो गाइस अब हम आ गए स्काई ट्री के अंदर, ये देखो ये यहाँ पर आपको स्काई ट्री देखने को मिलता है। बैक टू लॉबी और ये देख सकते हो स्काई ट्री मेन्यू, सोल वेल, टॉप ऑनलाइन शॉप और मास्क शॉप। तो मैं शॉप पर जैसे टैप करता हूँ तो आपको यहाँ शॉप देखने को मिलती है। और यहाँ मास्क शॉप पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ मास्क मिलते हैं, ज़ॉम्बी विदर स्केलेटन वगैरह सारे के मास्क आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और मैं आगे को लेके चलता हूँ तो आपको गाइस ये देखो यहाँ क्या मिलता है, आगे को देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है ना। सेल हैंड देखने को मिलता है, वही एंचेंट मिलता है, देखो एंचेंट यूआई मिलता है आपको यहाँ पर, और वही एनविल यूआई भी मिल जाता है। नेम रिपेयर वगैरह कुछ भी करवा सकते हो आप इस स्लैपर से, ठीक है ना, इस पर टैप करके। तो चलिए अब मैं आपको स्काई ट्री बना के दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करोगे स्काई ट्री को। स्काई ब्लॉक मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यार वो अभी ऑफलाइन है, ठीक है ना। तो आप जब ऑनलाइन हो जाएगा आप भी वहाँ पर खेल पाओगे। तो आप जैसे ही पर क्लिक करोगे सबको ऐसे नीचे वाले पर क्लिक करना है, आपका जो स्काई ट्री है बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये देखो ये कुछ स्काई ट्री होता है, आपको इस ट्री से ही सब कुछ करना है। एक चेस्ट आई थी, एक मिनट गाइस देखो, एक मिनट, अगर मैं वहाँ से जाता हूँ स्काई ट्री को खोद खोद के नीचे चलते हैं तो वो रही एक चेस्ट इस ट्री के नीचे है, मतलब देखो। तो अब मैं हब में चलता हूँ वापस। तो इस प्रकार से आप अपने स्काई ट्री बना सकते हो। मैं स्लैश हब डालता हूँ, हब डालता हूँ तो मैं शायद हब में चला जाऊँ, एक मिनट गाइस, स्लैश हब। तो अब मैं हब में चला जाऊँगा, यू विल बी टेलीपोर्टेड इन 5 सेकेंड्स, मुझे 5 सेकेंड्स का वेट करना है और मैं हब में यहाँ पर वापस चला जाऊँगा। तो देखो अब मैं हब में आ चुका हूँ बड़ी आसानी से, और अब मैं यहाँ पर चला जाऊँगा बैक टू लॉबी। तो मैं लॉबी पर चलता हूँ और देखता हूँ स्काई ब्लॉक जो कि है वो ऑनलाइन हुआ या फिर नहीं। मैं टेलीपोर्टर पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर आपको क्रिएटिव देखने को मिलता है और सर्वाइवल, आप सर्वाइवल क्रिएटिव में खुद भी जा सकते हो। मैं स्काई ब्लॉक पर जैसे ही टैप करता हूँ तो ये देखो ट्रांसफरिंग लिखा आ रहा है, पर अभी वो जो कि ऑफलाइन है स्काई ब्लॉक। तो जब ऑनलाइन हो जाए तो आप भी वहाँ पर जाकर आप बड़े आसानी से खेल सकते हो। तो ये सारे सर्वर्स आपको देखने को मिलते हैं, आओ और यहाँ पर गाइस खेलना शुरू कर दो। और ये देखो राफ्ट सर्वाइवल भी है यहाँ पर, तो मैं राफ्ट सर्वाइवल पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं राफ्ट सर्वाइवल में भी यहाँ पर आ जाऊँगा। सो गाइस देखो ये कुछ होता है राफ्ट सर्वाइवल, मेरे लिए भी नया ही है, पता नहीं क्या होता है यहाँ पर। ये देखो ये कुछ आ रहा है लिखा हुआ राफ्ट सर्वाइवल में, और ये देख सकते हो बहुत ही मस्त है राफ्ट सर्वाइवल। राफ्ट मेनू में अगर मैं जाता हूँ तो ये देखता हूँ यहाँ पर क्या है आखिरकार, यहाँ पर ये सब कुछ है क्रिएट आइलैंड। तो मैं क्रिएट आइलैंड पर क्लिक कर देता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है यहाँ पर। मैं क्रिएट आइलैंड अपना कर देता हूँ, मैं इस पर टैप करता हूँ, टेलीपोर्ट आइलैंड पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने आइलैंड पर यहाँ पर बड़ी आसानी से आ जाता हूँ। तो गाइस ये कुछ राफ्ट आइलैंड होता है, देखो यहाँ पर एक राफ्ट बनकर आई हुई है और यहाँ पर राफ्ट बना सकते हो अपना। तो ये बहुत अच्छा मोड है, तो आओ और खेलना शुरू कर दो। और मैं यहाँ पर अभी ये शॉप एक डालता हूँ स्लैश शॉप, तो वो ऐसे वर्क नहीं करती है, ठीक है ना। तो मैं स्लैश हब डालता हूँ तो मैं फिर से हब में चला जाऊँगा, 3 सेकेंड्स में मैं हब में चला जाऊँगा वहीं पर। सो मैं हब में आ रहा हूँ और ये मैं हब में आ चुका हूँ गाइस, ठीक है ना। ये देखो हब है और देखो ये सब कुछ देखने को मिलता है, शॉप्स वगैरह आगे को होंगी। तो चलिए देखने चलते हैं शॉप्स को भी, ये देखो ऊपर को चलते हैं थोड़ा और ऊपर को देखते हैं ऊपर आखिर है क्या है यहाँ पर। तो मैं ऊपर को जाता हूँ तो ऊपर तो यहाँ पर अभी कुछ है नहीं है, वहाँ शॉप्स हैं, हाँ गाइस वहाँ शॉप्स भी लगी हुई हैं। तो इस सर्वर में बहुत सारे गेम्स देखने को मिलते हैं, तो आप आओ और खेलना शुरू कर दो, ठीक है ना। और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर दो, कोई भी दिक्कत आती है मैं आपको वहीं क्वेरी अपनी सब कुछ बताऊँगा। शॉप राफ्ट, तो आप जिस पर जैसी शॉप पर क्लिक करोगे तो आप शॉप्स पर यहाँ टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो ये देखो बहुत ज़्यादा शॉप्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं आपको। तो ये मैं नीचे जैसे ही आऊँगा, ये तो यार बहुत ज़्यादा चीज़ मिलती हैं, कैन टूल्स। तो मैं इस पर जैसे ही टैप करता हूँ तो आपको यहाँ टूल्स देखने को मिलता है बहुत अच्छी से, अच्छे तरीके से। और यहाँ पर ये क्या है, कुछ है अजीब सा, इस पर मैं टैप करता हूँ
तो आपको ये फिर से कुकड मटन वगैरह देखने को मिलती है। और ये देखो राफ्ट सर्वाइवल में भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, कैंग जनरेटर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप इस सर्वर में खेलना शुरू कर दो गाइस। और हाँ, मेरे सर्वर की अपडेट्स लेने के लिए मेरे सर्वर को ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड दोनों सर्वर ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड के लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो चलिए आप, मैं इसकी आईबी पोर्ट आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। पर ये क्या है, मैं यहाँ पर देखता हूँ बोनस और स्पेशल। तो मैं अगर इस पर टैप करता हूँ बोनस पर, तो मुझे बोनस पर कुछ नहीं, ये आप आगे देख सकते हो खुद ही सर्वर को। तो चलिए इसका आईपी पोर्ट मैं आपको दे देता हूँ। और कुछ भी कमांड से मुझे दिक्कत आती है तो आपको गाइस क्या करना है, स्लैश इज हेल्प करना है यहाँ पर। तो आपको यहाँ हेल्प से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं यहाँ से सेव एंड क्विट कर देता हूँ और दिखा देता हूँ इस सर्वर की आईपी पोर्ट। और पर गाइस, उससे पहले आपको इस सर्वर में खेलने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपको गाइस वर्जन माइनक्राफ्ट का पुराना वाला होना चाहिए, वर्जन 1.16.40। अगर आपके में नहीं है तो गाइस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आई बटन में आप ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप खेल सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आईपी पोर्ट लिख लीजिए आप, बहुत मस्त है, play.minefineMC.net और पोर्ट है 19132 डिफॉल्ट है। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ नई वीडियो चलिए, लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब करना, शेयर। मैं मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।